यार इतने 5-6 सवाल इकट्ठे पूछ लिए एक एक करके। हाय 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 हाय, सबसे पहले तो आप सबका थैंक यू कि आप लोग यहाँ आए, और आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द फिल्म, कुछ वक्त के बाद आ रही है। सो मैं बहुत खुश हूँ, एंड बस एक ही चीज़ चाहूँगा कि फ्राइडे को आप लोग सब जाएँ और पिक्चर देखें, क्योंकि आपका ये पिक्चर देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये पिक्चर नहीं देखेंगे मुझे अपने गाँव वापस जाना पड़ेगा, तो मैं वहाँ बोल के आया हूँ कि मैं कुछ बन के आऊँगा। इट्स अ वेरी अमेजिंग फिल्म, इट्स अ फन फिल्म, सो प्लीज़ गो एंड वॉच। I am definitely not disappointed. It was a court order, and we respect the honorable judge. And picture mein kuch nahi badla hai. Sirf running shaadi abhi bhi running shaadi hai. Ek sirf bindu to hata hai. Ek bindu hatne se kuch nahi hoga. Ji, main bahut khush hu. Main bahut khush hu ki meri picture Pakistan mein release ho rahi hai. In fact, maine pichle saal ek ad bhi kiya tha Pakistan ki audience ke liye. So main bahut khush hu. एंड मुझे ऐसा लगता है उनको ये पिक्चर बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि ये पिक्चर पंजाब में सेट है, एंड पाकिस्तान के लोग भी वो सलवार कमीज़ वो सेम खाना खाते हैं, पंजाबी में बात करते हैं। सो आई थिंक ये सोने पे सुहागा है। यार मैं सोलो लीड नहीं हूँ इस पिक्चर का, एक इंसान से कोई भी पिक्चर नहीं बनती है, मैं एक पिक्चर का कैरेक्टर हूँ जिस वो ये है, तापसी भी है, अर्श भी है, और इस पिक्चर में और भी जो लोग हैं जो सब पोस्टर में नहीं आ पाए, इन सब की पिक्चर है। एक दुनिया है पटना की, एक दुनिया है पंजाब की। सो मैं ये सोलो लीड नहीं समझता, क्योंकि अगर सोलो मोनोलॉग होता है, बट मूवी मोनोलॉग में नहीं बनती है। सो मैं ये सब की पिक्चर वेरी एक्साइटेड। आई थिंक मैंने बहुत इंतजार किया, रायपोची के बाद काफ़ी वक्त मेरी पिक्चर रिलीज नहीं हो रही थी, सो वन थिंग एट अ टाइम, सो राइट नाउ वी लेट्स टॉक अबाउट रनिंग शादी रिलीज, बट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट सरकार 3 ऑल्सो। मेरी पिक्चर के स्क्रीनिंग पे वो ऐसे पॉलिटिकल सवाल पूछ रहा है, आज के लिए मुझे माफ़ी दे दे भाई, आज के लिए माफ़ी दे दे, नहीं समझाओ उसको भाई, आज के लिए माफ़ कर दे भाई, इसका मतलब क्या है? देखो भाई, ये डोर टू डोर सर्विस है, हम आपके घर से आपको भगा देंगे, अगर आप लीगल हैं, 18 साल से बड़े हैं, और आपकी जो पार्टनर है वो डाबाडोल नहीं हो रही हैं, आधे रास्ते में आपको जोड़ के नहीं जाएंगी, और आपके हनीमून तक के दरवाजे में आपको छोड़ेंगे, हनीमून आपको खुद बनाना पड़ेगा जी। हाँ आइए, मैं आपके साथ वैलेंटाइन बना लेता हूँ, किधर आइए, आपके पास आऊँ वैलेंटाइन डे बना।